कभी कभी चीजें जिस तरह से दिखती है वैसी होती नहीं। हमें लगता है कि आदमी हमें कभी हर्ट नहीं कर पाएगा और वही हमें धोखा देकर चला जाता है। आज के हमारे मूवी द किलर इनसाइड में 2010 की एक थ्रिलर क्राइम मूवी है। ये भी इसी थीम पर बेस्ड है। यह मूवी एक बहुत ही अच्छे 1952 के नॉवेल की अडेप्टेशन है। सो आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के इस डेंजरस सी मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को, जो एक पुलिस है, इसे अपने बॉस ने बुलाया था। इसका नाम है लू। उसके बॉस उसे कहते हैं कि एक लड़की है जो गांव के बाहर रहकर प्रोस्टिट्यूशन करती है। ये अलाउड नहीं, तो उस लड़की को सिटी से बाहर निकलने का काम ये लू को दिया गया था। वैसे उसके बॉस कहते हैं कि उसे निकालना इतना अर्जेंट नहीं। लू जाकर चेक कर आएगा, अगर उसे सही लगी तो उसे रहने भी दे सकता है। लू ने अपनी पूरी लाइफ इसी टाउन में गुजारी है। यहाँ हर कोई आदमी क्या करता है ये सबको पता होता है। वैसे हमारे मूवी का टाइम भी 1952 का है, तो सब कुछ बहुत ही कंजर्वेटिव था। किसी को अगर लू अरेस्ट करने के लिए गया फिर भी उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ती थी। इसके बाद उस लड़की के पास, जिसका नाम है जॉयस, लू पहुंच जाता है। जॉयस को लगा कि लू भी उसकी सर्विसेज के लिए वहां आया हुआ है। लू घर में नोटिस करता है कि जॉयस के पास एक गन है। उसने उसे पूछा ये तुम्हारे पास क्यों है। जॉयस पूछती कि तुम्हें क्या लेना देना, तुम हो कौन। लू कहता है कि मैं पुलिस हूँ। इस बात पर इन दोनों में लड़ाई हो गई। जॉयस के पास परमिट था पर वो पुलिस वालों को पसंद नहीं करती, तो उसे गालियां देने लग जाती है। इस बात से लू भी भड़क गया। जॉयस उसे मारने लग गई थी तो लू भी उसे बेड में पटक देता है। अपना बेल्ट निकाल कर उसे बहुत मारता है। जब वो शांत हुआ तो जॉयस उसके पास आई। ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। लू को पता नहीं कि उसने क्यों किया, पर बार बार वो जॉयस के पास जाता रहा। जरा टाइम गुजरा और जॉयस ने रियलाइज किया कि वो लू से प्यार करती है। वो उसे कहती है हम इस टाउन से निकल जाते हैं, कहीं और जाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। लू कुछ भी बोलता नहीं तो गुस्सा हो गई थी। लू ने उसे समझाया कि वो पैसों के बारे में सोच रहा था, नई लाइफ के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं। जॉयस कहती है एल्मर मेरा क्लाइंट है, और मैं आपको इस एल्मर के बारे में जरा बता दूं। यह इस टाउन का कंस्ट्रक्शन जिसने किया है, इसका नाम है चेस्टर कॉनवे। ये बहुत ही अमीर है, उसके बेटे का नाम है एल्मर। अब यही बात जॉयस लू से कह रही है। कहती है कि मेरा क्लाइंट एल्मर है, वो ज्यादा स्मार्ट नहीं, उसे फंसा कर उसके पैसे लेकर हम जा सकते हैं। लू ने इसके लिए मना कर दिया, पर उसके माइंड में ये सारा चक्कर चलने लग गया। एक दिन लू पापास के रेस्टोरेंट में आया हुआ था। पापास कहते हैं मेरे बेटे को समझाने के लिए थैंक यू, इसे बहुत हेल्प मिली। लू भी पापास की टीनेज बेटे का फ्रेंड है तो उसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। वो बाहर निकला तो एक शराबी उससे पैसे मांग रहा था। लू अपनी सिगरेट से उसके हाथ पर एक सिगरेट बर्न देता है। कहता है फिर से मुझे दिखना मत। इस शराबी ने कहा अब तुम जरा डर कर रहना। इसके बाद लेट नाइट यूनियन लीडर जो ने लू को अपने ऑफिस में बुलाया हुआ था। वो उससे कहता है तुम अपने ब्रदर के बारे में क्या समझते हो, उसने बचपन में एक लड़की का रेप किया तो तुम्हें क्या लगता है। लू कहता है मेरे ब्रदर को मेरे फादर ने अडॉप्ट किया जब उसकी फैमिली की डेथ हो गई। मेरी भी मदर नहीं थी, हम एक फैमिली की तरह ही थे, मैं उसे रियल ब्रदर मानता था। रही बात रेप की तो कहता है ये 5 साल की लड़की थी। उसके सामने किसी को भी खड़ा करते और आइडेंटिफाई करने के लिए कहते तो कोई भी आइडेंटिफाई हो जाता, हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते। इसके बाद लू का ब्रदर जेल में गया था। जब वो वापस आया तो चेस्टर की बिल्डिंग पर काम करता था। अब जो लू को बताता है तुम्हारे ब्रदर का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उसका मर्डर हुआ था। जहां से वो गिरा उसे सीधा गिरना चाहिए था पर वो उल्टा गिरा। वो छत पर गिर सकता था पर उसका सपोर्ट निकाल दिया गया था। वो बेसमेंट में टकराया, उसकी डेथ हो गई। जो को लगता है ये सब चेस्टर ने किया है। लू को ये सब सही नहीं लगता। लू यहाँ से जा रहा था तो जो उसे कहता है अपनी बुलशीट अपने पास ही रखो। जो को पता है कि लू का ब्रदर ही दोषी था। अब फिर से कुछ बात मैं क्लियर कर दूं, लू जोए के साथ रिलेशनशिप में है। जॉयस एल्मर कॉनवे को ही फंसाना चाहती है जो चेस्टर कॉनवे का बेटा है। अभी अभी लू को पता चला कि चेस्टर कॉनवे ने उसके ब्रदर को मारा। अब लू के पास एक रीजन है चेस्टर कॉनवे से बदला लेने का। आज रात लू जब घर पर आता है तो उसकी एक लड़की वेट कर रही थी। इसका नाम है एमी। एमी और लू ये बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। आजकल वो उसे इतना अटेंशन दे नहीं रहा था। इस बारे में एमी को लू से बात करनी थी।
लू ने बात टाल दी और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद लू को चेस्टर ने अपने ऑफिस में बुलवाया था। वो उसे कहते हैं, मेरा बेटा जॉयस के पास जाता रहता है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें $10,000 दूंगा जो जाकर तुम जॉयस को देख कर आओ। जल्दी से इस टाउन से तुम उसे निकाल दो। लू भी ये काम करने के लिए मान जाता है। चेस्टर का बेटा एल्मर और लू ये बचपन से एक ही स्कूल में थे, तो लू ने एल्मर को सब कुछ बता दिया। एल्मर ने प्लान बनाया, ये पैसे लेकर वो जॉयस के साथ इस कंट्री से निकल जाएगा। ये 1952 है, तो उस टाइम $10,000 बहुत ही ज्यादा थे। एल्मर बहुत ही थैंकफुल था कि लू ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। लू कहता है, तुम भी मुझे कुछ हेल्प करोगे, इसी वजह से मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। एल्मर ने थोड़े से पैसे लू को गिफ्ट कर दिए। अब प्लान बनाया था कि जॉयस के साथ भाग जाने के लिए एल्मर उसके पास रात में जाने वाला था, लू भी उसे कंपनी देगा। रात में जॉयस के पास लू पहले पहुंच जाता है, उसके साथ वो इंटीमेट हो गया। लू ने जॉयस को कहा था कि हम एल्मर को फंसाएंगे और भाग जाएंगे। जॉयस को यह सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पर लू कहता है सब कुछ आसान है, सब कुछ सही से होगा। अचानक से वो जॉयस को मारने लग गया। उसने बहुत मारा, यानी वो कुछ भी कर ना पाए। मारने के बाद लू घर के बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर में एल्मर वहां पहुंचता है। घर में जाकर उसने जॉयस को देखा तो डिस्टर्ब हो गया था। उसके पीछे से लू ने आकर उसे गोली मार दी। लू ने जॉयस की गन से हैंड ग्लोव पहनकर उसे शूट किया था, यानी कि उस पर कोई भी शक ना जाए। ये गन भी उसने जॉयस पर प्लांट कर दी, यानी कि ऐसा लगे कि एल्मर जॉयस को मार रहा था, तो इसी वजह से जॉयस ने उसे मार डाला। इसके बाद लू बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास उसका टायर चेंज करता है। यही रीजन वो एल्मर के फादर चेस्टर को देगा। वो कहेगा कि उसका फ्लैट टायर था, इसी वजह से एल्मर के साथ नहीं गया। ये चेंज कर जब वो घर जा रहा था तो रस्ते में उसे चेस्टर मिले। वो कहते हैं, एल्मर इवनिंग से घर पर नहीं आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यही देखने के लिए वो जा रहे थे। वो जॉयस के घर पर पहुंचे तो एल्मर की डायरेक्टली डेड बॉडी ही मिली। अब सब पुलिस को वगैरह बुलाया जाता है। अब सब हुआ क्या था इसके बारे में लू से पूछा जाता है। एक डिटेक्टिव है जो लू पर बिलीव नहीं करता, इसका नाम है हावर्ड। इसके बाद लू रात में फिर से पापास के रेस्टोरेंट में आया। पापा सीनियर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज जाकर फिर से मेरे बेटे से बात करो। वो आजकल एक गैस स्टेशन पर काम करता है जहाँ का ओनर बहुत ही घटिया है, वो इलीगल चीजें करता है। उनके बेटे जॉनी को वहां काम नहीं करना चाहिए। यही सब समझाने के लिए लू फिर जॉनी के पास आया। उसे कहता है, किसी भी ट्रबल से तुम दूर रहना। जॉनी ने कहा कि मैं भी कोई भी ट्रबल में नहीं आना चाहता। लू उसे एज ए मोटिवेशन $20 का एक नोट देता है। आज एमी और वो बात करने वाले थे, पर रात भर वो गायब था। वो बहुत ही गुस्सा थी, तो लू उसे सब कुछ रीजन बता देता है। ये दोनों फिर इंटीमेट होने लग गए। लू इसके लिए एक्साइटेड नहीं था। एमी ने रियलाइज किया कि लू जॉयस के साथ इंटीमेट हुआ है, उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। लू से कहता है, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ भी क्यों सोऊंगा। एमी 100% श्योर थी, पर फिर भी इस बात को जाने देती है। अगले दिन डायरेक्टर हावर्ड ये लू और उसके बॉस के साथ जहां पर लू का टायर फ्लैट हुआ था वहां पर पहुंचते हैं। हावर्ड ने नोटिस किया इस जमीन पर मार्क्स कुछ अलग है। लू कहता है, मेरा टायर पूरी तरीके से पंचर नहीं हुआ था, मुझे लगा इसलिए मैंने उसे बदल दिया। हावर्ड श्योर था ये सब लू ने ही किया है। इसके बाद ये सब लोग डाइनर पर आए जहां पर हावर्ड लू से कहता है कि अभी भी जॉयस जिंदा है। अब जो भी हुआ था ये सिर्फ जॉयस ही बता सकती है। उसकी प्रॉपर मेडिकल केयर के लिए चेस्टर खुद उसे फ्लाई कर एक सिटी में लेकर जाने वाला है। सब कुछ सही से हो इसलिए लू को भी इन्वाइट किया जाता है। लू बहुत ही डर चुका था, उसे लगता है सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो चेस्टर के होटल में रुका जहाँ उसे एक जेल की बंदी की तरह लग रहा था। थोड़ी देर में उसके बॉस उसके पास आए, कहते हैं जॉयस की डेथ हो चुकी है। लू को अब चैन की सांस आई। वो जॉयस को याद करता है, उसने उसे मार डाला, पर उसे लगता है कि उससे बहुत प्यार करता था। लू के बॉस उसे कहते हैं, मुझे एक बात पता है जो तुम्हें नहीं, अंधेरा होने से पहले सबसे ज्यादा लाइट होता है। बॉस को शक था कि लू ने ही यह सब किया। अगले दिन लू से मिलने के लिए यूनियन लीडर जो आया। ये दोनों फ्रेंड्स है, तो जो जरा वरीर था। वो कहता है, न्यूज़पेपर यही बात कर रहे हैं कि तुमने ही उन दोनों को मार डाला। सिर्फ मुझे पता है तुम्हारे पास एक मोटिव भी है। वैसे तो दिखने में तुम मर्डरर लगते नहीं। जो के जाने के बाद लू अपने घर में कुछ फोटोज देखता है। बचपन में लू की
एक टीनेजर बेबीसिटर हुआ करती थी। लू के फादर और उसमें चक्कर था। फादर उस बेबीसिटर को मारा करते थे। लू छोटा था तब भी वो बेबीसिटर लू के साथ इंटीमेट होती थी, उसे मारने के लिए कहती थी। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा कि लू जॉयस को मार रहा था, उसके बाद इंटीमेट हो गया। ये साइकोनेस उसके माइंड में बचपन से है। हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि लू के ब्रदर ने किसी का भी रेप नहीं किया था, एक्चुअल रेपिस्ट ये लू ही था। लू को जेल में जाना ना पड़े इसलिए उसके ब्रदर ने सब कुछ ब्लेम ले लिया। थोड़ी देर में लू को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, उन्होंने सस्पेक्ट को पकड़ लिया है। ये पापास का बेटा जॉनी ही था। ये वही जॉनी है जिसको लू ने $20 दिए थे। एक्चुअल में लू को ये पैसे एल्मर ने दिए थे, पर चेस्टर ने ऑलरेडी सब पैसों को मार कर रखा था। अब पुलिस को लगता है एल्मर से पैसे चुराने के लिए जॉनी ने एल्मर और जॉयस इन दोनों को मार डाला। इस बारे में जॉनी ने किसी से भी बात नहीं की, वो डायरेक्टली लू से ही बात करना चाहता था। लू फिर उसके पास प्रिजन सेल में आया। वो कहता है तुम मेरे फ्रेंड हो, उन $20 के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया। लू ने कहा मैं तुम्हें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, मैंने ही जॉयस और एल्मर को मार डाला है। जॉनी कहता है इसके पीछे कुछ रीजन होगा, वैसे भी उन्हें कोई ना कोई तो मार ही डालता। लू कहता है कि रीजन तो था पर डायरेक्टली डेथ ये वो डिजर्व नहीं करते थे, डेथ कोई भी डिजर्व नहीं करता। यही कहने के बाद वहां से बाहर आया, उसके फेस पर स्माइल थी। रात में सबको पता चला कि जॉनी ने खुद को लटका कर खुदकुशी कर ली है। प्रिजन में ही लू ने जॉनी को मार डाला था। रात में लू घर पर आकर एमी के साथ इंटीमेट हो जाता है। लू हमसे कहता है कि उस दिन के बाद मुझे सब लोग बहुत ही अजीब नजरों से देखने लग गए, जैसे उन्हें पता था ये सब मैंने ही किया है। एक वीक बीत गया, फिर लू जॉनी के फादर के पास आया। वो अपने बार को रेनोवेट कर रहे थे। लू ने उनकी लॉस के लिए उन्हें सॉरी कहा। लू को लगा था कि अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, पर पापास कहते हैं कि जैसा जॉनी को बार अच्छा लगता मैं उसी तरीके से रिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद लू डेजर्ट में मर्डर साइट पर आया हुआ था। उसका पीछा करते करते जो भी उसके पास आकर बैठता है। जो ने उसे कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पापा जो अपना बार रिन्यू कर रहे हैं इसके पैसे कौन है उन्हें दे रहा था, भला ऐसा कोई क्यों करेगा, जिसकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हुई उन्हें पैसे देगा। जो लू से कहता है तुम जरा सावधान रहना। उसे पता था कि जॉनी ने कोई भी क्राइम नहीं किया। जिस टाइम पर जॉयस की डेथ हुई थी उसी टाइम पर जॉनी कार से उनके टायर्स चुरा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात में लू और एमी एक साथ थे। एमी उसके बहुत ही ज्यादा प्यार में है तो कहती है कि अब हम शादी कर लेते हैं। लू भी इसके लिए मान गया। आज आधी रात लू के घर पर एक बेगर आया। ये वही बेगर है जिसको लू ने सिगरेट बर्न दिया था। वो लू से कहता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग देखे है, मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगे। उस दिन के बाद मैंने हर दिन तुम्हारा पीछा किया था, तुमने जो किया इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अब वो अपना मुंह बंद रखने के लिए $5,000 मांग रहा था। इसे अरेंज करने के लिए लू के पास 2 वीक्स है। इन 2 वीक्स में हमें लू की एमी के साथ रिलेशनशिप दिखाई जाती है। लू हमसे कहता है एमी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ, पर अब उसे एमी को मारना पड़ेगा। जिस दिन लू और एमी यहाँ से निकल जाकर शादी करने वाले थे उसी दिन लू से पैसे लेने के लिए बेगर आने वाला है। उस बेगर के आने के पहले लू एमी को बहुत मारता है। जब बेगर वहां पहुंचा तो लू से किचन में आने के लिए कहता है। बेगर ने एमी की डेड बॉडी देखी तो जल्दी से वहां से भागने लग गया। लू उसे भी मार डालता पर एमी ने मरने से पहले फ्लोर पर पी की थी, इसी वजह से लू गिर गया। बेगर भागते भागते टाउन में आया, लू भी उसका पीछा कर रहा था। लू चिल्लाता है कि एक मर्डरर है, इसे जाने मत दो। टाउन में एक पुलिस ने देखा और वो बेगर को रुकने के लिए कहता है। लू उसे मार डालता तो रुकता नहीं, उस पुलिस ने गन से बेगर को ही मार डाला। लू फिर से इस मुसीबत से बच गया। अगले दिन लू को पता चला कि उसके बॉस ने सुसाइड कर ली है। लू जो भी कर रहा था इसके बारे में उसके बॉस को सब कुछ पता था, उसके खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाया तो इसी गिल्ड में उसने सुसाइड कर ली। आज लू के पास डिटेक्टिव हावर्ड आता है, कहता है मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है। लू कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं, तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। हावर्ड कहता है एमी ने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था, एक डाइनर पर ले जाकर तुम्हें लेटर देने वाली थी। इस लेटर में एमी ने लिखा है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ट्रबल में हो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं समझ जाऊंगी। तुम मुझे देखो ना,
इसलिए हमेशा से टाउन से निकल जाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो तो डाइनर में रुकना, अगर नहीं चाहते तो चले जाना। लू अगर एमी को सिर्फ बता देता वो यहाँ से चली जाए तो हमेशा के लिए चली जाती। लू को उसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ मर्डर प्लान करने के लिए लू ने उसे मार डाला। हावर्ड कहता है इस लेटर से प्रूव होता है तुम कुछ ना कुछ तो ट्रबल में थे। हावर्ड ने फिर लू को उठाया और डायरेक्टली मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। यहाँ पर लू बहुत दिनों तक रहा, वो स्लोली स्लोली पागल हो रहा था। एक दिन फिर उसे बचाने के लिए एक लॉयर आता है, ये लॉयर जो ने भेजा था। जो नहीं चाहता था कि वो भी लू के साथ मर्डर के लिए जेल में जाए, इसीलिए डर कर वो उसे हेल्प कर रहा था। इस लॉयर और लू में बात होती है। लॉयर कहता है सही या गलत कुछ भी चीज नहीं होती, एक अलग फ्रेम से देखो तो सब कुछ सही ही लगता है। जो भी हुआ ये सब वो लू को बताने के लिए कह रहा था। लू ने भी सब कुछ सच उसे बता दिया। लू कहता है अब मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। लॉयर ने भी ये बात मान ली। लॉयर लू से कहता है तुम्हारे खिलाफ उनके पास बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस है, तुम अब शायद बच नहीं सकते। लू घर पर आया और पूरे घर में उसने गैसोलीन डाल दिया था। थोड़ी देर में उसे ले जाने के लिए पुलिस आए, इनके साथ जॉयस भी थी। जॉयस सही से रिकवर हो पाए इसलिए लू से उसने झूठ कहा था, अगर ऐसा नहीं करते तो लू जॉयस को मार डालता। जॉयस लू के पास आकर कहती है मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लू को इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई भी वे नजर नहीं आता। वो जॉयस के पास आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो किसी और को ना मारे, वो पुलिस पर भी हमला कर सकता था तो उस पर वो गोलियां चलाते हैं। एक गोली घर में लगी और पूरे घर को आग लग गई। नीचे बेसमेंट में लू ने एक्सप्लोजिव भी रखे थे। लू और जॉयस के साथ घर में सब पुलिस एक्सप्लोड हो जाते हैं। लू पकड़ा नहीं जाना चाहता था पर लास्ट में उसे खुदकुशी करनी पड़ी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी की एंडिंग बहुत ही डार्क थी पर एक साइकोपैथ को बहुत ही डेंजरसली ये प्रेजेंट करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।